धनबाद में आग लगने की घटना लगातार देखने और सुनने को मिल रही है। ताजा मामला हीरापुर में घटी है, जहां बीती रात करीब 1 बजे पार्क मार्केट विवेकानंद चौक के समीप सेंटर पॉइंट प्रतिष्ठान में भीषण आग लगी है, जिसमें करीब 50 लाख की संपत्ति का नुकसान हो गया है। आग इतनी भीषण थी कि प्रतिष्ठान में रखे दोनों फ्रिज, ड्राई फ्रूट, राशन के सामान, कॉस्मेटिक के सभी सामान सहित लाखों के सामान जलकर राख हो गए। आग भयावह होने के कारण ऊपर गोदाम को भी अपनी चपेट में ले लिया और उसमें रखा सारा सामान खाक हो गया। प्रतिष्ठान के संचालक प्रमोद मित्तल ने बताया कि रात करीब 1 बजे के आसपास शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। सूचना पर वो तत्काल दुकान पहुंचे। फायर ब्रिगेड को भी इसकी सूचना दी गई। आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक सारा सामान जलकर खाक हो गया था। बता दें कि पार्क मार्केट के समीप स्थित सेंटर पॉइंट बहुत ही पुराना दुकान है और कई तरह की सामग्री यहां मिलती है। आइसक्रीम, दूध, खाने पीने की वस्तुएं सहित अन्य सामान भी यहां उपलब्ध रहती है। दुकानदार के अनुसार करीब 40 से 50 लाख के सामान जलकर खाक हुए हैं। इसके साथ ही पूरा दुकान जलकर खाक हो गया है। दुकान के अंदर ही ऊपर हिस्से में गोदाम बनाया गया था। गोदाम में रखे सभी सामान जलकर खाक हो गए। सुबह में चैम्बर के लोगों के साथ स्थानीय का जुटान दुकान के सामने हुआ था। आग के इस भयावह मंजर की कहानी सभी लोग बयां कर रहे थे और दुकान संचालक को आश्वासन दे रहे थे। लोगों का कहना था कि ऊपर बिजली के तारों का जंजाल जिस तरह है, वैसे में बिजली विभाग को भी संज्ञान लेकर तारों के जंजाल से मुक्ति दिलाने की जरूरत है, ताकि शॉर्ट सर्किट की समस्या ना हो।